तो जो आपको सीमेंट यानी कि ग्रे कलर का दिखेगा मशरूम, वो हो गया आपका प्योरोटस साजर का जो। लेकिन अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो जो ऑलरेडी कंज्यूमर है ओइस्टर मशरूम के, जिन्होंने साजर काजू भी खाया है और बाकी के टाइप भी खाया है, तो वो प्रीफर करते हैं साजर काजू। क्यों? क्योंकि साजर काजू की जो टेस्ट है वो बाकी सभी टाइप ऑफ ओइस्टर मशरूम से सबसे बेहतरीन है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी। साजर काजू और बाकी के जो टाइप्स ऑफ ओइस्टर मशरूम से, उनमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि साजर काजू का जो स्टेम है, तो जो डंठल होता है वो साजर काजू का सब्जी में आप डाल सकते हैं, वो सब्जी में पक जाता है और खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। साजर काजू ओइस्टर मशरूम और एक एडवांटेज ग्रोवर को देता है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बाकी सभी टाइप ऑफ ओइस्टर मशरूम से बहुत बेहतर है। लगभग 3 से 4 दिन आपको मिल जाते हैं साजर काजू ओइस्टर मशरूम बेचने के लिए। साजर काजू टाइप ऑफ ओइस्टर मशरूम को टेम्परेचर अराउंड 22 to 28 डिग्री सेल्सियस लगता है और ह्यूमिडिटी अराउंड 60 to 80% के बीच में लगता है।